स्वाद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रितु और आज हम बना रहे हैं मिक्स वेज। जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मिक्स वेज तो भाई सभी ऑर्डर करते हैं, लेकिन जब हम वही मिक्स वेज घर पे बनाते हैं ना तो हमें वो स्वाद नहीं आता। घर पे सभी बोलते हैं कि भाई रेस्टोरेंट वाला स्वाद तो नहीं आ रहा है, लेकिन वही रेस्टोरेंट स्वाद वाला स्वाद अगर आपको मिक्स वेज में घर पर ही आ जाए तो क्या बात है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वही रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज की सब्जी। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, जैसे मैंने ये ली है फ्रांस बीन जिसे फ्रेंच बीन कहते हैं, उसमें मैंने लंबा लंबा काट लिया है। गोभी जिसको बड़े बड़े पीसेस में काटा है, गाजर, शिमला मिर्च जिसको डाइस में काटा है, आलू और कुछ मैंने लिए मशरूम। अब हम इसका मसाला बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये रफली चॉप किए हुए टमाटर, प्याज, 10-12 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5-6 मैंने इसमें काजू लिए हैं। अब इसका हमने कैसे मसाला तैयार करना है आइए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन रखा है, उसमें मैंने डाले हैं टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और 5-6 मैंने काजू डाले हैं इसमें। इन सभी को मैंने रफली चॉप किया हुआ है, इसको कोई फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। और इनको हम क्या करेंगे, आधा ग्लास पानी डाल के इसको धीमी आँच पर 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि हमारे टमाटर, प्याज या लहसुन अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है, बस पिंच यानी एक चुटकी नमक डाला है मैंने, और इसको अब ढक कर 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। ये मसाला हमारा जब तक पक रहा है तब तक हम आइए देखते हैं सब्जियों को हमने क्या करना है। अब सब्जियों को हम क्या करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और उसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर आलू को फ्राई कर रही हूँ। आलू को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन अच्छी तरह से आप फ्राई कर लीजिए। थोड़ा सा इसमें नमक डाल दीजिए। नमक डालने से क्या होता है फ्रेंड्स, आलू हमारे बढ़िया से क्रिस्पी हो जाते हैं और नमक भी आलूओं में अच्छी तरह से चला जाता है। बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। कई लोग इन सब्जियों को डीप फ्राई करते हैं, लेकिन मैं डीप फ्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि डीप फ्राई करने से ना सब्जियों में बहुत ही ज़्यादा ऑयल आ जाता है। तो आप इस देखिए, इसी 2 टेबलस्पून ऑयल में हम सभी सब्जियों को फ्राई करेंगे और कोई भी ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। आलू देखिए हमारे कितना बढ़िया कलर आया है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब उसी बचे हुए तेल में मैं बाकी सब्जियों को भी फ्राई कर लूँगी। मैंने यहाँ पर डाली है गाजर, फ्रेंच बीन्स, इसको मैंने ऐसे लंबा लंबा काटा है, आप इसको लंबा ही काटिए, बड़ी बड़ी काटिए, ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप इसको तेज़ आँच पर फ्राई कर लीजिए, अगर आप इसको लगातार चलाते हुए फ्राई कर रहे हैं तो आप इसको तेज़ आँच पर फ्राई कर लीजिए। मैं इसको हाई फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। जब ये हल्का सा 1 मिनट तक इसको हम चलाएंगे, फ्राई हो गई तो मैंने अब इसमें डाल दी है शिमला मिर्च जिसको मैंने डाइस में काटा हुआ है, मशरूम भी डाल दिए। अगर आप मशरूम नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें पनीर डाल सकते हैं, पनीर चाहे आप कच्चा डाल दें या फिर पनीर को भी हल्का सा ऐसे फ्राई कर लें। ये देखिए सभी सब्जियां हमारी बहुत बढ़िया तरीके से फ्राई हो गई है। बस 5 मिनट का समय लगता है इसको फ्राई करने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, क्योंकि बाकी तो हम इसे मसाले के साथ में पकाएंगे। गोभी को फ्राई करने से फ्रेंड पहले आप क्या करें कि एक पैन में पानी रख दें और उसमें उबलते हुए पानी में 2 से 3 मिनट के लिए गोभी को अच्छी तरह से पड़ा रहने दें। गैस मैंने ऑन रखी है, पानी हमारा देखिए बिल्कुल उबल रहा है। उबलते हुए पानी में हम इसको 2-3 मिनट तक गोभी को रहने देंगे। उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है ना गोभी में वो साफ़ हो जाती है और गोभी बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा साफ़ हो जाता है। अब उसी बचे हुए तेल में मैं गोभी को भी फ्राई कर लूँगी। हमें कोई भी और एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। गोभी भी देखिए फ्रेंड्स हमारे उतने ही तेल में बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई हो गई है, ये भी गोल्डन कलर की हो गई है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे देखते हैं, जो हमने रखा था वहाँ पे टमाटर प्याज पकने के लिए वो पक गया है कि नहीं। ये देखिए हमारे टमाटर प्याज बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और उसको बिल्कुल ठंडा होने के बाद हम मिक्सी के एक जार में डाल के इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। रेस्टोरेंट वाले बिल्कुल इसी तरह से ये सब्जी को बनाते हैं, इसीलिए उनकी सब्जी में ये रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आता है जो हमें घर पर कभी भी नहीं आता। अब हमने कढ़ाई रखी है गैस पर, उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा जीरा, एक हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, दालचीनी, 2 तेज़पत्ते और 1/4 टीस्पून डाली है मैंने इसमें हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून डाला है मैंने इसमें धनिया पाउडर और 1 टीस्पून भर के डाली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आपके पास जो मिर्च है आप वो डाल सकते हैं। और फटाफट से मैंने इसमें डाल दिया है जो मैंने वो प्यूरी बनाई थी ना अदरक लहसुन प्याज उसकी वो। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको धीमी आँच पर भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ा सा इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, ये देखिए नमक हमने इसमें थोड़ा पहले भी डाला था जब हमने उबाला था टमाटर प्याज वगैरह को, तो नमक आप थोड़ा सा देख कर डालें। और उसी जार में जिसमें हमने पीसा था ना थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि हमारा जार भी साफ़ हो जाएगा और वो जो पानी चाहिए इसमें वो भी चला जाएगा। मैंने मिक्स कर दिया, अब इसको हम ढक कर पकाएंगे 2-3 मिनट तक। बीच बीच में आप चला भी दें इसको एक बार। ये देखिए मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है।
अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिसने भी, तो वो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर ज़रूर करें। अब मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, और ये है फ्रेंड्स कसूरी मेथी। कसूरी मेथी फ्रेंड्स आप ज़रूर डालें इसमें, जिसे कसूरी मेथी भी कहते हैं, कसूरी मेथी भी कहते हैं, जो भी कहते हैं, लेकिन आप इसमें ज़रूर डालें इसको, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैं सभी सब्जियों को इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँगी ना, उसका नोटिफिकेशन आपके पास फौरन आ जाएगा। अब सभी सब्जियों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि मसालों की एक बहुत ही बढ़िया सी कोटिंग हमारी सब्जियों के ऊपर आ जाए। सब्जियों को फ्राई करने से फ्रेंड्स क्या होता है कि मसाले बहुत अच्छी तरह से कोट हो जाते हैं सब्जी के ऊपर, और उसमें फ्राई करने से फ्लेवर भी बढ़ जाता है सब्जियों का। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है, करीब आधा ग्लास। अब इसको हम ढक कर पकाएंगे। आइए हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं सब्जियाँ हमारी पकी हैं कि नहीं। ये देखिए सब्जियों ने भी अपना पानी छोड़ दिया है, थोड़ा सा सब्जी में भी हल्की सी कसर है। अब हम सब्जियों को एक बार मिक्स करेंगे। आई एम श्योर फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से एक बार सब्जी बनाएंगे ना मिक्स पैक, कोई भी आपके घर पे नहीं करेगा कि हमें वो रेस्टोरेंट वाला स्वाद नहीं आया। अब मैंने इसमें डाली है 2 टेबलस्पून भर के घर की फ्रेश मलाई, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इनको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ये देखिए, ताकि मलाई धनिया सब कुछ अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। ये बहुत ही टेस्टी बनती है सब्ज़ी। अब इसको थोड़ा सा हम खोल के हम पका लेंगे सब्जी को। ये देखिए पानी भी इसका बिल्कुल सूख गया है। अब इसमें हम फिर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। ये देखिए बन के बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज की सब्जी। देखने में ही देखिए ना ये कितनी शानदार लग रही है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे, सबको ये बहुत पसंद आने वाली है। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, परोठों के साथ, जिसके साथ भी चाहे सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। पहले तो फ्रेंड्स इसके साथ में नान बनाई है और दाल मखनी बनाई है, साथ में सैलेड, आप चाहें जिसके साथ भी खाएं, ये खाने में बहुत यमी लगती है। और आप रेस्टोरेंट से खाना तो भूल ही जाएंगे अगर आपने इस तरह से एक बार बनाई घर पे। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बाय बाय।